हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिल्मी दोस्त में। दोस्तों, ये वीक हमारे लिए बहुत अच्छा गया है क्योंकि इस वीक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज हुई है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसी हफ्ते हिंदी में डब होकर रिलीज हुई साउथ और हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में, और साथ ही हम बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे जिनका ओरिजिनल HD प्रिंट अब अवेलेबल हो चुका है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, धवजा। 2018 में रिलीज हुई ये एक कन्नड़ एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसके लीड रोल में रवि गौड़ा, प्रिया मनी और TN सीताराम है। दोस्तों, ये तमिल की हिट फिल्म धनुष स्टारर कोडी का ऑफिशियल रिमेक है। रवि गौड़ा की ये पहली डेब्यू फिल्म है और इसमें रवि ने डबल रोल निभाया है। दोस्तों, ये काफी अच्छी फिल्म है। अगर बात करें इसकी रेटिंग की तो IMDb ने इसको 6.7 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने इसको 79% पसंद किया है। ये आपको YouTube के ऑफिशियल चैनल बोली किक पर हिंदी में इसी नाम से मिल जाएगी। नंबर दो, पंचतंत्र। 2019 में रिलीज हुई ये एक कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके लीड रोल में विहान गोड़ा, अक्षरा गोड़ा और सोनल है। IMDb ने इसको 5.7 की रेटिंग दी है और 86% यूजर्स ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें बहुत जबरदस्त कार रेसिंग को दिखाया गया है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। ये आपको हिंदी में YouTube के ऑफिशियल चैनल एडवाइस मीडिया एक्शन चैनल पर ही मिल जाएगी। नंबर तीन, उप्स नोहा इज गोन। 2015 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इसको अब हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया गया है। IMDb ने इसको 5.8 की रेटिंग दी है और 87% यूजर्स ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, ये फिल्म अभी YouTube पर नहीं है। जैसे ही ये YouTube पर अवेलेबल होगी मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी लिंक दे दूंगा, और अभी अगर आपको इसे डाउनलोड करके देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हो, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर चार, की। 2019 में रिलीज हुई ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर हैकिंग बेस फिल्म है जिसके लीड रोल में जीवा, निक्की गिलानी, अनामिका सोती और गोविंद पद्मा सूर्या है। दोस्तों, ये एक जबरदस्त हैकिंग बेस मूवी है। इस फिल्म में हैकिंग काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। कैसे एक वायरस बनाकर सबके मोबाइल और घर में घुसा जाता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। बात करें इसकी रेटिंग की तो IMDb ने इसको 5.8 की रेटिंग दी है और 89% गूगल यूजर्स ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, ये फिल्म अभी YouTube पर अनऑफिशियल है तो जल्दी से जाकर इसको देख लो क्योंकि YouTube इसको कभी भी रिमूव कर सकता है। नंबर पाँच, हैप्पी डेथ डे। 2017 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। IMDb ने इसको 6.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने इसको 90% पसंद किया है। दोस्तों, ये फिल्म भी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको डाउनलोड वेबसाइट पर हिंदी में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। नंबर छह, द बॉय। 2016 में रिलीज हुई ये एक हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, ये काफी अच्छी हॉरर सस्पेंस फिल्म है जो आपको सही में डराएगी भी। IMDb ने इसको 6 की रेटिंग दी है और 85% यूजर्स ने इसको पसंद भी किया है। दोस्तों, ये फिल्म आपको यूट्यूब के अनऑफिशियल चैनल पर हिंदी में मिल जाएगी। नंबर सात, जर्सी। 2019 में रिलीज हुई ये एक तेलुगु स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसके लीड रोल में नेचुरल स्टार नानी, श्रद्धा श्रीनाथ और सत्यराज है। दोस्तों, इस फिल्म का हम सबको बहुत इंतजार था और फाइनली अब ये हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी है। बात करें इसकी रेटिंग की तो इसको बहुत ही जबरदस्त रेटिंग मिली है। जी हाँ, IMDb ने इसको 8.8 की शानदार रेटिंग दी है और वहीं गूगल यूजर्स ने इसको 96% पसंद किया है। यह है नेचुरल स्टार की पावर, रेटिंग ऐसी होती है भाई, इसको मिस बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ऐसी फिल्में कभी कभी ही बनती है। आपको हिंदी में गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स पर इसी नाम से मिल जाएगी। नंबर आठ, द लायन किंग। 2019 में रिलीज हुई ये एक हॉलीवुड एनिमेशन एडवेंचर मूवी है। IMDb ने इसको 7.1 की रेटिंग दी है और 87% यूजर्स ने इसको पसंद भी किया है। दोस्तों, अब इसका ओरिजिनल प्रिंट हिंदी में अवेलेबल हो चुका है लेकिन ये अभी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। जैसे ये यूट्यूब पर आएगी मैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर नौ, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2। 2019 में ही रिलीज हुई ये एक हॉलीवुड एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी है। इसको IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है और 89% यूजर्स ने इसको पसंद भी किया है।
दोस्तों ये 2016 में आई द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स का सीक्वल है। अब इस फिल्म का ओरिजिनल HD ब्लू रे प्रिंट इंटरनेट पर हिंदी में भी अवेलेबल हो चुका है। ये फिल्म यूट्यूब पर अभी नहीं है, सो मैं इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 10 प्रेमम, एक प्रेम कथा। दोस्तों ये फिल्म एक लव स्टोरी है और आपको बता दें ये फिल्म पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन ये एक टाइम पास मूवी है। इसका सेकंड हाफ आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आपको लव स्टोरी मूवी देखना पसंद है तो ये आपको काफी अच्छी लगेगी। ये फिल्म आपको यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पैन मूवीज पर हिंदी में मिल जाएगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ बॉलीवुड फिल्म की जो इसी हफ्ते ओरिजिनल HD प्रिंट में आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म बाटला हाउस की। जी हाँ, अब ये फिल्म का HD प्रिंट इंटरनेट पर आ चुका है। वहीं दूसरी फिल्म है मिशन मंगल। दोस्तों इसका भी ओरिजिनल प्रिंट अब अवेलेबल है। और दोस्तों अगली फिल्म है मुरुधर एक्सप्रेस। दोस्तों ये काफी अच्छी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसको रेटिंग भी ठीक ठाक ही मिली हुई है, जो अब ओरिजिनल प्रिंट में उपलब्ध हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें ये बॉलीवुड की सभी फिल्में अभी तक एक भी यूट्यूब पर नहीं आई है। अगर आपको इन्हें डाउनलोड करके देखना है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं इनकी डाउनलोड लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी आप कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए फिल्मी दोस्त।